सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी क्लासेस रोज अटेंड कर सकें। हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत, वेलकम टू रट्टा मार्लू इंजीनियर्स चैनल। दिस पीपीटी मेड बाय अक्षय। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग प्रोसेस। फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन वर्किंग विद डायग्राम, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड फाइनली डिसएडवांटेजेस। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन स्लैग वेल्डिंग प्रोसेस। इंट्रोडक्शन में इसका फर्स्ट पॉइंट, इन दिस प्रोसेस कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वायर इज फेड इन टू अ मोल्टन स्लैग पूल। इसमें हम इलेक्ट्रोड जो यूज़ कर रहे हैं वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वायर है और हम मोल्टन स्लैग पूल के बीच में इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, एन आर्क इज ड्रॉन इनिशियली बट इज देन स्नफ्ड आउट बाय द स्लैग एंड हीट ऑफ फ्यूजन इज प्रोवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हीटिंग इन द स्लैग। जो आर्क हम इनिशियली प्रोड्यूस करेंगे वो इलेक्ट्रोड और स्टार्ट प्लेट के बीच में प्रोड्यूस करेंगे, जिसे हम हीट सप्लाई करेंगे बाय द रेजिस्टेंस हीटिंग। अब इसका डायग्राम देखते हैं। प्लेट्स टू बी जॉइंट, दीज आर द प्लेट्स टू बी जॉइंट। ये जो प्लेट हमें जॉइन करनी है वो प्लेट है। दिस इज द इलेक्ट्रोड, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड दिस इज द वायर फीड जहाँ से हम इलेक्ट्रोड पास करेंगे विद द पावर सप्लाई। ये हमारा मोल्टन मेटल है जो मेल्ट हो चुका है। दिस इज द कोल सेड मेटल, मतलब जो सॉलिडिफाइड मेटल है वो। दिस इज द स्टार्ट प्लेट, स्टार्ट प्लेट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा मोल्टन मेटल नीचे से बाहर ना चले जाए। दिस इज द कॉपर मोल्ड, ये कॉपर प्लेट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो सिस्टम है वो कूल्ड रहे। सम डिज़ाइंस आर मूवेबल और वाटर कूल्ड। ये जो प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं हम, ये अपवर्ड मूवेबल है और ये वाटर कूल्ड है। तो हम इसका वर्किंग देखते हैं। द कंपोनेंट टू बी वेल्डेड आर सेट इन अ वर्टिकल पोजिशन विद अ डिस्टेंस ऑफ 15 to 30 mm बिटवीन द बटेड एजेस डिपेंडिंग अपॉन देयर थिकनेस। जो कंपोनेंट, जो दो कंपोनेंट हमें वेल्ड करना है उसे हम वर्टिकल पोजिशन में इस तरह से रखेंगे और उनका डिस्टेंस होना चाहिए तकरीबन 15 to 30 mm। सेकेंड पॉइंट, द वेल्डिंग वायर आर द फ्लक्स आर फेड ऑटोमेटिकली इन टू द क्लियरेंस। वेल्डिंग वायर हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे फीड करेंगे। ये प्लेट है फर्स्ट प्लेट, दिस इज द सेकेंड प्लेट एंड दिस इज द क्लियरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। यहाँ पे हम वेल्डिंग वायर ऑटोमेटिकली फीड करेंगे। थर्ड पॉइंट, सेवरल इलेक्ट्रोड वायर्स कैन बी फेड साइमल्टेनियसली इफ द पार्ट टू बी वेल्डेड आर क्वाइट थिक। अगर हम जिस प्लेट को वेल्ड करना चाहते हैं उसकी थिकनेस ज़्यादा है तो हम यहाँ पर दो से ज़्यादा या फिर 3-4 ऐसे इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है। फोर्थ पॉइंट, वाटर कूल्ड कॉपर शूज और स्लाइड ट्रैवल अपवर्ड अलॉन्ग द जॉइंट। जैसे कि मैंने वाटर कूल्ड कॉपर की बात की है, यह है हमारा, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये वाटर कूल्ड कॉपर शूज़ है, जहाँ से हम यहाँ से ये जो होल दिख रहा है यहाँ से हम वाटर पास करेंगे और ये जो कॉपर प्लेट है ये हमेशा कूल्ड रहेंगी और हमारे सिस्टम को जो वेल्डेड पार्ट है उसे कूल्ड रखेंगी। जैसे जैसे हमारी वेल्डिंग फिनिश होते जाएंगे वैसे वैसे, जैसे कि ये वेल्डेड पार्ट है और ये प्लेट अपवर्ड मूव होते जाएंगी हमारे वेल्डिंग पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट, एन आर्क इज इस्टेब्लिश बिटवीन द स्टील बैकिंग प्लेट एंड द इलेक्ट्रोड वायर ओनली एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ ऑपरेशन बिफोर अ पूल ऑफ मोल्टन मेटल एंड फ्लक्स ऑफ सफिशियंट वॉल्यूम हैज एक्यूमुलेटेड। इसमें हम आर्क प्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द बैकिंग प्लेट, दिस इज द बैकिंग प्लेट एंड इलेक्ट्रोड। फर्स्ट हम जब इसका वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे तब हम इसमें आर्क प्रोड्यूस करेंगे, ये बैकिंग प्लेट जो नीचे लगा है, और हमारा इलेक्ट्रोड जो यहाँ से इंट्रोड्यूस होगा। सिक्स पॉइंट, फर्दर मेल्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड एंड बेस मेटल इज ड्यू टू द करंट फ्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड पूल एंड स्लैग। बाद में जो मेल्टिंग होंगी हमारे इलेक्ट्रोड की वो हम प्रोड्यूस करेंगे बाय प्रोड्यूसिंग आर्क बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड
जो वेल्डेड पार्ट है एंड जो पूल ऑफ स्लैग है उसके बीच में। सेवन्थ पॉइंट, द मोल्टन बेस मेटल एंड द फिलर मेटल सिंक टू द बॉटम ऑफ द स्लैग पूल कूल एंड फॉर्म अ वेल्ड इन द जॉइंट बिटवीन द कंपोनेंट। जो मोल्टन मेटल है वो हमारा नीचे चले जाएगा और जो स्लैग पूल है वो मोल्टन मेटल के ऊपर आएंगे। जैसे कि ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये मोल्टन मेटल है जो सॉलिडिफाई हो चुका है और स्लैग इसके ऊपर फ्लो कर रहा है। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉमनली यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ लो कार्बन एंड मीडियम कार्बन स्टील्स एंड विद स्पेसिफिक प्रिकॉशंस फॉर अलॉय स्टील्स एंड स्टेनलेस स्टील एज वेल। ये प्रोसेस हम कॉमनली यूज़ करते हैं लो कार्बन और मीडियम कार्बन स्टील्स के लिए, और हम इसका इस्तेमाल करते हैं अलॉयज विच इज़ मेड बाय स्टेनलेस स्टील। सेकंड पॉइंट, द मेथड इज़ प्रीडोमिनेटली अप्लाइड इन हैवी इंजीनियरिंग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेड एंड फ्रेम्स ऑफ हैवी मशीनरी ड्रम्स बॉयलर्स। इस प्रोसेस को हम ड्रम्स बॉयलर्स के बेड या फिर हैवी मशीनरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग इज यूज्ड पर्टिकुलरली फॉर वेल्डिंग थिक प्लेट्स ओवर 25 mm एंड द स्ट्रक्चर फॉर टर्बाइन शाफ बॉयलर्स पार्ट्स एंड हैवी प्रेसेस। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग को हम ऐसी वेल्डिंग में यूज़ करते हैं जहाँ पे उसकी थिकनेस, जो प्लेट है उसकी थिकनेस 25 mm हो और स्ट्रक्चर ऑफ फॉर टर्बाइन शाफ्ट बॉयलर पार्ट्स एंड हैवी प्रेसेस। इसके एडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जॉइंट प्रिपरेशन इज ऑफन मच सिंपलर दैन द अदर प्रोसेस। जो हमारा जॉइंट बन रहा है यहाँ पे, जो वेल्ड हो रहा है वो सिंपल है दैन द अदर प्रोसेस। सेकंड पॉइंट, मच थिकर स्टील कैन बी वेल्डेड इन सिंगल पास एंड मोर इकोनॉमिकली, थिकनेस वेरी अप टू 450 mm इन प्लेन एंड अलॉय स्टील्स। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा थिकनेस के प्लेट्स को एक ही टाइम पे वेल्ड कर सकते हैं, इसलिए हमारी प्रोसेस जो है इकोनॉमिकली होती है। इसमें हम 450 mm थिक प्लेट की भी वेल्डिंग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इट गिव्स एक्सट्रीमली हाई डिपोजिशन रेट। ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन स्लैग वेल्डिंग प्रोसेस, इसमें हाई डिपोजिशन रेट होता है। फोर्थ पॉइंट, रेसिडुअल स्ट्रेसेस एंड डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस्ड आर लो। आफ्टर द वेल्डिंग जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं या फिर डिस्टॉर्शन होते हैं इन दी मेटल, वो लो होंगे। फिफ्थ पॉइंट, फ्लक्स कंजम्पशन एज कम्पेयर टू दैट इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग इज लो। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में जितना फ्लक्स यूज होता है उससे कम फ्लक्स इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में यूज होता है। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इज मोर इकोनॉमिकल दैन इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग फॉर जॉइंट्स बिलो 60 mm। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये इकोनॉमिकल है दैन द इलेक्ट्रॉन स्लैग वेल्डिंग। मतलब जो इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें हम 60 mm से कम थिकनेस वाली प्लेट को जॉइंट नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, इन दिस प्रोसेस देर इज सम टेंडेंसी टूवर्ड हॉट क्रैकिंग एंड नॉट सेंसिटिव इन द हीट अफेक्टेड जोन। इसमें टेंडेंसी होती है हॉट क्रैकिंग, जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने पर ये जो हमारा वेल्डिंग है ये टूट सकता है और इसकी नॉट सेंसिटिविटी इन द अफेक्टेड जोन इज मोर। थर्ड पॉइंट, प्रोटेक्शन बाय जॉइंट फ्रॉम विंड इज रिक्वायर्ड। जो एटमोस्फेरिक वेयर का कॉन्टैक्ट है हमारे वेल्डिंग पे वो नहीं रहना चाहिए, इसके लिए हमें प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें हमारे चैनल पे रट्टा मार लो इंजीनियर्स।